हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वॉक अराउंड वीडियो ऑफ द महिंद्रा थार एलेक्स। ये है फ्लिप की है, जिसके अंदर आपको मिल जाएंगे तीन बटन। पहला वाला रहेगा लॉक के लिए, द अदर वन विल बी फॉर अनलॉकिंग, और ये एक आप इसका एक पर्पज़ उसके लिए कि आप कहीं पार्किंग वगैरह में खड़ी करते हैं तो वहाँ पर आप इजीली पहचान पाएँ। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पार्ट, ये आई गेस ABS मटेरियल है, ये प्लास्टिक बम्पर, और आफ्टर मार्केट इस गाड़ी में अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। ये हेलोजन यूनिट में आपको फॉग लैंप्स मिल जाएंगे, इंडिकेटर्स मिल जाएंगे यहाँ पे, और ये वाले DRL हो जाएंगे आपके, और ये हेलोजन यूनिट में आपकी हेडलाइट्स हो जाएंगी। ग्रिल इसकी कुछ ऐसी है, ये 23 में ही परचेज्ड है, तो ये जो पार्ट है ये वाला सिल्वर वाला हटा के इनका ब्लैक किया गया है। ये पेट्रोल वेरिएंट है, यहाँ पे टोइंग हुक आ गया आपका, ये आपका इंजन गार्ड आ गया है, ये भी कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है। बात करें इसकी साइड प्रोफाइल की, तो इसमें आता है ये बैजिंग मिल जाएगी आपकी, एम हॉक 130 BHP पावर निकालता है, ये इसका पावर एंटीना हो गया, और यहाँ पे C8 के टायर दिए जा रहे हैं जो कि ऑल टेरेन है, क्रॉस ड्राइव C8 के टायर्स, जिनकी प्रोफाइल है 255/65 18 इंच के हैं, और ये नया मॉडल है तो इस वजह से इसमें बटरफ्लाई शेप आ चुकी है। ये इसका साइड स्टेप आ गया, आपके हैंडल्स वही ट्रेडिशनल वैसे वाले हैं, और मिरर्स के ऊपर आपकी थार की फिनिश आ जाएगी, कुछ ऐसी इसकी साइड प्रोफाइल है। फुल टैंक कैप इसका लेफ्ट साइड दिया गया है, जो कि मैनुअली आपका की से खोला जाता है, और अंदर से इसका बटन के थ्रू नहीं खोला जाएगा। अब ये कितना लीटर है ये मैं मेंशन कर दूंगा। अब इसके रियर पे आते हैं, तो रियर में आपको LED सेटअप मिल रहा है, ये वाला, ये टेल लाइट हो गई, ये इंडिकेटर्स हो गए, ये रिवर्स लाइट हो गई, ये रिफ्लेक्टर्स हो गए, और ये आपके स्टेपनी हो गई। इसके अंदर आपके लॉकिंग नट दिए गए हैं ये वाले, और दो सेंसर दिए गए हैं, चार नहीं है, कॉर्नर पे कोई नहीं है, ये आपके यहाँ पे बम्पर के बम्पर पे पार्किंग सेंसर्स आ गए, ये आपका कैमरा आ गया। फिर अब इसको करें अनलॉक, तो कुछ इस तरह से इसका बूट खुलेगा, और उसके बाद आपका ये वाला हिस्सा खुल जाएगा। बूट स्पेस ना के बराबर है, ये अभी 2 डोर है, तो आप बूट स्पेस विद 4 सीट्स आप उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि ये गाड़ी 4 मीटर के अंदर आती है। यहाँ पे इसके ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और ये आई गेस 9D मैटिंग हो रखी है इस पर, ये आफ्टर मार्केट है। ग्रैब हैंडल यहाँ पे आ गए इसके, बहुत प्रीमियम काम है महिंद्रा की तरफ से, मतलब ट्रेडिशनल थार से अगर आप आते हैं इस पे तो आपको ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा। फिनिशिंग बहुत बढ़िया कर दी गई है महिंद्रा की तरफ से। ये इसका क्वार्टर ग्लास हो गया, इसके अंदर इन्होंने नेट लगा रखे हैं जो आपके ब्लाइंड्स आते हैं, कंपनी फिटेड हैं ये महिंद्रा वाले। 4x4 की बैजिंग, क्योंकि ये 4x4 है, ये रियर व्हील ड्राइव नहीं है, और ये इसके रियर टायर हो गए, साइड स्टेप हो गए, थार की बैजिंग, इंडिकेटर आपके यहाँ पर दे दिए गए हैं, और कुछ उसकी ये वाली प्रोफाइल होगी। यहाँ से इन नट्स के थ्रू आप इसका हार्ड टॉप खोला जा सकता है। अब एंटर करते हैं इसके अंदर, बहुत ही सॉफ्ट, मतलब रगेड भी है गाड़ी, बट बीइंग रगेड आप लग्जरी में मिल जाएगी काफी हद तक। स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से, ये आपको इल्यूमिनेशन दिया जाएगा साइड में, ये इसका वेलकम आ गया, ओके। स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स स्टेयरिंग, ये सोर्स का हो गया, ये आपका कॉल रिसीव का, और MID के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। ये अभी इसका टायर डायरेक्शन बता रहा है 40 डिग्रीज, जो लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ा हुआ है, और वार्निंग लाइट्स वगैरह आ गई हैं, और सोर्स म्यूट, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, वॉल्यूम कम करने के लिए, कॉल रिसीव करने के लिए, ये आपके क्रूज कंट्रोल ऑफ करने के लिए, क्रूज कंट्रोल सेट करने के लिए, ये आपका वॉइस कमांड हो गया, और ये आपका रीसेट करने के लिए हो गया। यहाँ पे बटन्स जो दिए गए हैं ये माइल्ड हाइब्रिड के लिए हैं, ये आपके वापस से MID आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से आप बैक कर सकते हो, और इधर से आप मेन्यू चेंज कर सकते हो, और ये हेडलैम्प प्लगिंग के लिए आ गया आपका।
ये एसी वेंट्स रोटरी गेट्स, गेट पे देखें इसके तो एक जैसे कि बिस्लरी की 1 लीटर की बैठी हुई है, तो 20 लीटर की बॉटल इसमें आ सकती है आराम से जैसे कि बैठी हुई है। और थोड़ा सा स्पेस इसका यहाँ पे दिया गया है। ये आपके ग्रैब हैंडल आ गए लॉक के लिए, वहाँ पे आप ब्लाइंड लगा सकते हो। ये थार की बैजिंग इनके साथ, भूल जाओ आप कौन सी गाड़ी में बैठे हो। तो कुछ ऐसा इसका ये वाला गेट हो गया, यहाँ से आप मिरर एडजस्ट कर सकते हो। ओके, ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसके अंदर ये सारे बटन्स हैं आपके फिजिकल। आप होम पे आ गए तो आप मीडिया रेडियो एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स में जाएं आप, तो आपको ऑन रोड पे आपको ये सारी चीज़ें पावर टॉर्क कितना, जी मॉनिटर आ गया, आपका कंपास आ गया, स्पीड डिजिटल आ गई, आपका ओडोमीटर आ गया। ऑफ रोड पे आप जाएंगे तो आपके ये जितने भी आपके एंगुलेशंस वगैरह हैं और क्या इंजन टेम्परेचर, स्टेयरिंग का एंगल कौन सा है, ये ट्रांसफर केस का, ये आपका 4x4 में होगा। और ये गियर इंडिकेटर आ गया कस्टम, आप इसको कस्टमाइज अपने हिसाब से कर सकते हैं क्या क्या लगाना है। ये आपके रेडियो पे आ गया, ये आपके कॉलिंग पे आ गया, ये आपने बंद कर दिया है इसको। ओके, बंद, गुड बाय कर दिया इसने, तो ये आपने बंद कर दिया ऐसे, तो आपकी ये स्क्रीन पे आपका टाइम और डेट आती रहेगी। आपने ऐसे चालू किया वहीं पर ही चालू हो जाएगा। ये आपके टेलीमेटिक्स आ चुके हैं, सारा टायर प्रेशर आ गया। एडवेंचर कनेक्ट अभी इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि ब्लिंस वाला ये आपका ऐप कनेक्टेड नहीं है, इको सेंस हो गया। ये आपके क्या क्या फ्यूल इकोनॉमी वगैरह चल रही है, लास्ट ट्रिप का आ गया, ट्रिप चार्ट आ गया आपका। और फिर उसके बाद आप अलर्ट पे जाएं तो आपके कोई भी वार्निंग वगैरह आ जाएंगी, DRL आप ऑन रखना चाहें ऑफ रखना चाहें उस पे आ जाएगा। देन ये आप स्क्रीन ऑफ कर सकते हैं रात वगैरह के टाइम में अगर आपको डिस्टर्बेंस लगे तो। ये आपने वापस ऑन करी, फेवरेट से आप एक पे किसी से भी फेवरेट्स पे आप लगा सकते हैं कि वो बटन दबाते ही आप कहीं से भी न्यू पे आ जाएं। ये आपके एसी वेंट्स आ गए, इधर एसी कंट्रोल आ गया जो कि मैनुअल आता है, इसमें टॉप एंड तक आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे इसके ब्लोअर हैं। ओके, ये आपके अलग अलग मोड्स आ गए, डिफॉगर हो गया, रियर डिफॉगर हो गया, पोजीशनिंग हो गई एसी की, एसी ऑन रखना है नहीं रखना है आपको। ये आपके उस टेम्परेचर के बटन्स हो गए, ये आपकी ये बटन नहीं है, ये आपका इंडिकेशन है पैसेंजर एयरबैग ऑन है, ये ऑफ का है, ये आपका सीट बेल्ट किसी ने नहीं लगाई है उस चीज़ का है। देन ये आपका हजार्ड लैंप का हो गया, और इसके बाद आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ ऑन करना चाहें जो ये इससे ऐसे ऑफ ऑन हो गया, हिल डिसेंट कंट्रोल, एंड देन ये लॉक्स का लॉक एंड अनलॉक। मैनुअल मॉडल है, 6-speed ट्रांसमिशन है, ये आपका आ गया 4x4। देन आपका यहाँ पे ये वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है, तो पेन ड्राइव हो गया, ऑक्स हो गया, एंड देन ये 12 वोल्ट का आपका एक चार्जर हो गया। नीचे थोड़ा सा स्पेस है, पैडिंग है, दिस इज नॉट अ वायरलेस चार्जिंग, बट हाँ यहाँ पे आप आराम से फ़ोन रख सकते हैं अपना, अच्छा खासा आपका बड़ा सा फ़ोन कोई भी इसके अंदर आ सकता है। पावर विंडोज़ के कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं जो कि ऑटो विंडो अप डाउन नहीं है। और ये कॉइन होल्डर हो गए, ये आपके कप होल्डर हो गए, हैंड ब्रेक आपका मैनुअल हो गया, सीट्स काफ़ी अच्छी कर दी गई है, मतलब ये सपोर्ट जो है ये बहुत ही अच्छा कर दिया गया है, मतलब बोल्स्टर के लिए आप कह लें, बड़ी कम्फी सीट्स हैं, मतलब इट इज़ नॉट दैट रगेड कि आपको डिस्कम्फर्ट रहे, और ऐसी भी ज़्यादा लग्जरी नहीं है कि आपको यही ना लगे कि आप ऑफ रोडिंग व्हीकल में बैठे हो। ये ग्रैब हैंडल साइड वाले के लिए हो गया, ये आपका एक सीरियल नंबर जो सबका यूनिक दिया गया है महिंद्रा की तरफ से। आपका स्पीकर यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, एंड देन ये 2 ट्वीटर मिल जाएंगे। LED लैंप सिर्फ यहाँ मिलेगा, बाकी पूरी गाड़ी में आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो ग्लो बॉक्स देखेंगे, ग्लो बॉक्स के अंदर बहुत ही छोटा सा बड़ा क्यूट सा ग्लो बॉक्स है, आप ज़्यादा सामान नहीं रख पाओगे इस पे, मतलब हार्डली बस 2 चीज़ें ही यहाँ पा रही हैं। अब इसके पीछे जाना जो है वो एक अपने आप में थोड़ा सा अलग सा एक एडवेंचरस काम है, वो हम करेंगे। जाने से पहले, एक बार बाहर निकलने से पहले एक चीज़ ये दिखा दूँ मैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये महिंद्रा, मोस्टली महिंद्रा और आजकल टाटा काफ़ी दे रहे हैं, तो क्योंकि थार गाड़ी है तो वो एक जीप और कैमल और वो कैक्टस और ये डेजर्ट वाली एक वैसी वाली थीम रखी गई है कि थार है तो थार एकदम। ये चीज़ आपको मैनुअल मिलेगी, ऑटो नहीं मिलेगी। यहाँ पे टिकट होल्डर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, ग्रैब हैंडल मिल गया, ये आप निकाल सकते हैं इधर वाले हिस्से से, इधर
इधर से आपको नट दिए गए हैं। अब सबसे स्ट्रगलिंग पार्ट जो है वो इसका पीछे जाना है। यहां से मेरी हाइट एग्जैक्ट 6 है और उस हिसाब से देखा जाए तो कितना स्पेस है, मैं आपको दिखाऊं तो इनफ है। अगर वहां पे मैंने एकदम पीछे कर रखी थी, ऑलमोस्ट पूरी ही पीछे कर रखी थी, तो वहां पे मेरा बैठना थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल हो जाएगा। बट हाँ, यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस दिख रहा है। हेडरूम देखा जाए तो इतना हेडरूम है इसके अंदर, और यहाँ पे ग्रैब हैंडल आपको सस्पेंडेड मिल जाएगा, ये आपको रोल केज मिल जाएगा, रोल केज यहाँ पे मिल जाएंगे, ये आपको रियर सीट बेल्ट मिल जाएगी यहाँ पे, और साइड में कोई फिलहाल ऐसा सपोर्ट नहीं है, बट हाँ आप यहाँ पे रख सकते हो हाथ इस तरह से। और 4 लोगों के हिसाब से मोर देन इनफ है, बट हाँ ये चीज़ है कि अगर आप 4 जने थोड़े लंबे और हेल्दी हैं तो आपको 5 डोर थार के लिए थोड़ा सा जाना पड़ेगा। अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पे। अंदर की तरफ बहुत प्रॉपर इंसुलेशन है, आपको आवाज आएगी ही नहीं, बट हाँ बाहर की तरफ आप एक 2 लीटर इंजन के हिसाब से पेट्रोल से उम्मीद कर सकते हैं। काफी बड़ा रेडिएटर है, इसका हुड खोलें तो यहां से इसका हुड खुलता है। हजार्ड लैंप्स इसके, हजार्ड इंडिकेटर्स इसके चालू हो चुके हैं। ट्रेडिशनल जैसे जीप आती थी, थार वगैरह आती थी, उसके तरह इसमें ये लॉकिंग दी गई है। और बहुत हैवी है, मतलब आप चाहो ना आराम से शोल्डर्स कर सकते हो उसके साथ। ये इसका 2 लीटर का एमहॉक इंजन है जो कि 130 bhp पावर प्रोड्यूस करता है, जो इसके पावर फिगर्स हैं वो मेंशन कर दूंगा। और इसकी वारंटी दी गई है आई गेस 3 साल की, और एक बार हल्का सा 3000 आरपीएम तक रह सकते हैं। तीन से 4000 आरपीएम तक रेव किया गया था ये, और इतना साउंड है ये आपको अंदर तो नहीं आएगा, बट हाँ बाहर जरूर इसका थोड़ा बहुत ग्रंट आपको महसूस हो सकता है। तो इंसुलेशन वगैरह काफी अच्छा किया गया है इस बार, मतलब मैं बता रहा हूँ ये जो ओल्ड जनरेशन जो थार है उससे काफी ज्यादा प्रॉपर मतलब फिनिशिंग कर दी गई है। अब वैसी वाली नहीं है कि आप सिर्फ इसका वजन देखना, अगर मैं गलती से इसको ऐसे पकड़ लूँ तो मेरे हाथ देखना कैसे होगा। मैं एक बार देख सकता हूँ? हाँ एक सेकंड। ओ भाई साहब सच्ची में यार, इसका वो रॉड ये रही, यहाँ से आप इसको किधर की तरफ लगा सकते हो, कहीं तो लगा सकते हो इसको, हमें नहीं पता, हमें बस आपको एक बार ये इंजन वाला पोर्शन दिखाना था। तो अब इसका लॉकिंग मैकेनिज्म कुछ ऐसे काम करेगा कि आपको पहले ये क्लिप फंसानी पड़ेगी, देन आपको ये हल्का सा पुश करके अब ये प्रॉपर क्लोज हो चुका है। इस साइड से गैप दिखाइए, हाँ साइड से। सो ये था एक वॉक अराउंड वीडियो इसका, और इसके आगे 2 वीडियोस और आने वाली हैं जो कि रहेगी एक ओनर्स रिव्यू और द अदर वन विल बी माय ड्राइव रिव्यू। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।